हेलो फ्रेंड, आज हम अपना प्रैक्टिकल प्रॉब्लम 9 करेंगे, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म, जो आपको पेज नंबर 248 पे दिया गया है। अगर यहाँ पर तीन पार्टनर है, वैभव, संजय और संतोष, जैसा हमने क्वेश्चन नंबर 8 किया, सेम टू सेम वैसा ही है। यहाँ पर भी कोई भी एक पार्टनर क्या हो रहा है, इंसॉल्वेंट हो रहा है, और वो अपना पार्टनर है संतोष। बुक के नीचे ही दिया गया है संतोष बिकम इंसॉल्वेंट। डोंट वरी, पूरा सम इसके बाद में, पूरा सम बुक्स में जाके मैं आपको कराता ही हूँ हर बार की तरह, तो इस बार भी मैं आपको कराऊंगा। तो यहाँ पर अगर देखोगे, कैपिटल अकाउंट वैभव और संजय का काम दिया था लायबिलिटी साइड पे, तो मैंने कहाँ लिखा, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट की क्रेडिट साइड पे लिखा। सेम एज अ संतोष है, उसका असेट साइड में दिया है कैपिटल, तो कहाँ आएगा, डेबिट। असेट्स ऑलवेज डेबिट साइड, लायबिलिटी ऑलवेज क्रेडिट साइड, तो असेट्स का जो भी चीज़ है सारा डेबिट में आएगा, लायबिलिटी का सारा कहाँ जाएगा, क्रेडिट में। सेम एज असेट साइड पे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट दिया है 18,000, तो हमें कौन से, इन लोग का शेयरिंग रेशियो क्या है, 8:4:3, तो 8:4:3 में मैंने क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया, मतलब 8/15, 4/15 और 3/15। सेम एज अगर आप रियलाइजेशन करोगे, तो एक्चुअली मैंने पहले से ही करके दिखाया आपको समझाने के लिए, फिर मैं पूरा बताऊंगा रियलाइजेशन लॉस कैसा है। आपको रियलाइजेशन लॉस आएगा करीब 19,800 आएगा, वो कहाँ आएगा, रियलाइजेशन अकाउंट क्रेडिट साइड, तो कहाँ जाएगा, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट की डेबिट साइड में। तो 19,800 को कौन से रेशियो में देना, 8:4:3 में क्या कर दिया मैंने, इसको डिवाइड करके लिख दिया। अभी देखो क्या बोल रहे बुक में, संतोष कुड पे ओनली 25 पैसा, मतलब तुम बोलो कि सर ये समझा नहीं, मतलब संतोष कितना पैसा देगा, 25% ओनली पैसा क्या करेगा, पे करेगा, मतलब संतोष का जो भी पैसा आएगा, सपोज इन शॉर्ट पार्टनर्स कैपिटल ये हो गया, इसके बाद इसका वेरी फर्स्ट किसका टैली करना है मेरे को, संतोष का। तो संतोष का अगर ये करेंगे, 3+6 ये अपॉन में कितना आ जाएगा, ये 60 आ जाएगा, 9+6 15, तो 1 ऊपर चला गया, 5 नीचे, तो 3 3 9 और कितना है इसका टोटल, 10,560 आया। यहाँ पर भी मैं सेम कितना लिख दूँ, 10,560 का यहाँ पर कुछ माइनस होगा नहीं, क्योंकि कुछ दिया ही नहीं, उसका खाली कितना पैसा पे करेगा, 25% क्या करेगा, पैसा पे करेगा। अगर कोई भी पार्टनर पैसा पे करेगा, तो उसका जर्नल एंट्री क्या रहता है, बैंक अकाउंट क्या रहेगा, डेबिट रहेगा, क्लियर है, बैंक अकाउंट डेबिट टू जो भी पार्टनर रहेगा। तो यहाँ पर संतोष पे कर रहा है, तो क्या लिखेगा, संतोष कैपिटल अकाउंट आ जाएगा, क्लियर है। तो इसका मतलब क्या हुआ, बैंक अकाउंट की मैं क्या लिखूंगा, डेबिट साइड पे लिखूंगा, वहाँ पर क्या लिखूंगा, टू संतोष कैपिटल अकाउंट, और संतोष कैपिटल अकाउंट कहाँ पर है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट की क्रेडिट साइड। देखो ना, क्रेडिट में दिया है, ये डेबिट में दिया है, तो संतोष कैपिटल की क्रेडिट में आएगा, और नाम किसका लिखेंगे हम, बाय बैंक अकाउंट, किसका नाम आएगा, बाय बैंक अकाउंट, क्योंकि अपनी बुक में अपना नहीं में आता नहीं, आपको पता रहेगा 11 में सिखा रहेगा, क्रॉस में आएगा। तो कितना पैसा पे कर रहा है, 25%, तो ये कितना लिखो इसका, 10,560 का कितना निकालना है मेरे को, 25%, मतलब 25/100 कितना आ जाएगा, 100, आपको आंसर आएगा 2,640 अपना आंसर आएगा, कितना आएगा, 2,640 अपना आंसर आएगा। इन शॉर्ट मतलब 10,000 था, 10,560 माइनस 2,640 अगर करेंगे, तो ये कितना बचा, 7,920 बचा, मतलब ये पैसा अभी कौन पे करेगा, चलो इसने तो इतना पैसा नहीं करेगा, ही सॉरी, मतलब ये बोला अभी मेरे पास पैसा ही नहीं है, तो ये पैसा कौन पे करेगा, बचे हुए पार्टनर कौन है, वैभव और संजय क्या करेंगे, पे करेंगे, कौन से रेशो में, 8:4, तो सिंपल है, देखो 8:4, ये 3 वाला तो चला गया, तो बचा 8:4, तो 4 1 4 4 2 8, तो रेशो क्या बना, 2:1 लिखो या 8/4 लिखो, एक ही बात है, मतलब 2/ कितना आ जाएगा, 3। तो यहाँ पर मैं क्या लिखूँगा, बाय, पैसा कौन पे करेगा, बाय क्या लिखूँ, वैभव कैपिटल अकाउंट, तो मैं यहाँ पर क्या लिखूँ, वैभव कैपिटल अकाउंट, और उसके एक लाइन छोड़ के क्या लिखूंगा मैं, बाय संजय कैपिटल अकाउंट, संजय कैपिटल अकाउंट, क्लियर है। चलो देखो इसका रेशो कितना दिया है, 7,920, इसका रेशो कितना आया था, 2:3 आ गया था, सेम यहाँ पर 7,920, इसका रेशो कितना लिखूं मैं, 1:3 क्या करूँ मैं लिख दूँ। अगर करेंगे तो ये जो वैभव का अमाउंट आ जाएगा, आपको आ जाएगा अपना 5,280 आ जाएगा, और इसका आंसर आ जाएगा 2,640 अपना आंसर आएगा, क्लियर है। ये अपना 2,640, 5,280 अगर इन दोनों को ऐड करोगे तो 7,920 अपना आंसर आएगा। अभी ये जो आया, ये कहाँ चला जाएगा अपना, संतोष और वैभव कैपिटल की कहाँ लिखा, वैभव और संजय कैपिटल की कहाँ चला जाएगा, डेबिट से, क्योंकि क्रेडिट की चीज़ें कहाँ ट्रांसफ़र होती है, डेबिट में।
तो यहाँ पर मैं क्या लिखूंगा, टू। कहाँ से आ रहे हम, देखो संजय के संतोष कैपिटल अकाउंट, तो टू यहाँ पर क्या लिखूँ, संतोष कैपिटल अकाउंट। कितना पैसा आया था इसका, 5280, और इसका कितना आया था, 2640। क्लियर है? अभी देखो इसका तो यही साइड मेरे को ज़्यादा लग रहा है, इसका अगर करेंगे तो ये अपना आ जाएगा 36,000 आ जाएगा, ये कितना आ जाएगा, 27,000 आ जाएगा। तो सेम यहाँ पर भी मैं कितना लिखूँ, 36,000 लिखूँ, और यहाँ पर भी कितना लिखूँ मैं, 27,000। अभी क्या करना है, इन सारे का तुम अगर टोटल करोगे तो ये जस्ट आपको किससे करना है, पेंसिल से करना है। क्लियर है? यहाँ पर जस्ट आपको पेंसिल से करना है, मैं अभी भी बता रहा हूँ आपको। पेंसिल से करेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा 225,440, इसका आ जाएगा, इसका 12,000, अपना 720, तीनों इन एक दो तीन का टोटल 12,000, इसका तीनों का टोटल 27 में से अगर ये माइनस करोगे तो आपको यहाँ पर ये पेंसिल से लिखना है। मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ पी का मतलब पेंसिल से लिखना, अगर करेंगे तो ये अपना 14,280 इसका हो जाएगा, और ये अगर करेंगे तो अपना आंसर आएगा 10,560 हो जाएगा। इसको नाम क्या देना, अभी इसको सिंपल सा नाम दे दो, क्या देना है हमें, बैंक अकाउंट। तो टू यहाँ पर क्या आ जाएगा, बैंक अकाउंट आ जाएगा, मतलब ये पैसा कहाँ जाएगा, बैंक अकाउंट की क्रेडिट में चला जाएगा और अपना सम टैली हो जाएगा। ऑलरेडी मैंने क्वेश्चन नंबर 8 में काफ़ी अच्छे से एकदम डीप में कराया था, यहाँ पर थोड़ा स्पीडी गया हो क्योंकि आप सबको पता ही रहेगा। तो चलो हम बुक में जाके सम सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोल रहे हैं, फ्रॉम द फॉलोइंग बैलेंस शीट ऑफ वैभव, संजय एंड संतोष, बराबर यहाँ पर दिया गया आपको, पता रहेगा असेट्स ऑलवेज डेबिट साइड जाएगा और लाइबिलिटी कहाँ जाएगा, क्रेडिट साइड पे जाएगा। क्लियर? असेट्स ऑलवेज डेबिट साइड, लाइबिलिटी ऑलवेज क्रेडिट साइड। तो कैपिटल वैभव संजय का कहाँ पर जाएगा, अपने पार्टनर्स कैपिटल की कहाँ चला जाएगा, क्रेडिट साइड। तुम बोलो कि सर वैभव और संजय का दिया है, अपन संतोष का यहाँ पर दिया है, संतोष का कैपिटल कहाँ जाएगा, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट की डेबिट साइड। क्यों, ये डेबिट में असेट्स ऑलवेज डेबिट साइड, लाइबिलिटी ऑलवेज क्रेडिट साइड। वहाँ पर क्या लिखोगे, यहाँ पर टू बैलेंस ब्रॉट डाउन लिखोगे आप, और यहाँ पर क्या आएगा, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन आएगा, कुछ इतना फ़र्क नहीं है इसके अंदर, आई होप आपको पता चल गया। क्रेडिटर कहाँ जाएगा, क्रेडिटर अपना जाता है रियलाइजेशन अकाउंट की क्रेडिट साइड। क्लियर? क्रेडिटर कहाँ जाएगा, रियलाइजेशन अकाउंट की क्रेडिट साइड। अभी तुम बैंक ओवरड्राफ्ट आपको पता रहेगा, देखो बैंक का यहाँ पर बैलेंस नहीं रहेगा तो ये कहाँ जाएगा, बैंक अकाउंट में जाएगा, कौन सी साइड जाएगा, बैंक अकाउंट की क्रेडिट साइड पे जाएगा। क्यों, और वहाँ पर आप सेम ऐसे ही लिखोगे, बाय बैलेंस क्या लिखोगे आप, ब्रॉट डाउन, और ब्रैकेट में क्या लिखोगे आप, ओवरड्राफ्ट। क्लियर है? ओवरड्राफ्ट ऐसे ऑलरेडी एक बार आ चुका है। क्लियर? बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, और ब्रैकेट में क्या लिखोगे आप, ओवरड्राफ्ट लिखोगे, क्रेडिट में जाएगा। मशीनरी गुडविल ये स्टॉक और स्टॉक एंड डेटर कहाँ जाएगा, अपना रियलाइजेशन अकाउंट की डेबिट साइड पे जाएगा। क्लियर है? रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट। सेम एज अ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है, ये कहाँ चला जाएगा, अपने पार्टनर्स कैपिटल की डेबिट्स। क्लियर है? डेबिट असेट्स ऑलवेज डेबिट साइड, तो सारा चीज़ डेबिट में, लाइबिलिटी है तो सारा चीज़ कहाँ चला जाएगा, क्रेडिट में चला। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है तो कहाँ जाएगा, पार्टनर्स कैपिटल। पीसी का मतलब क्या होता है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। 18,000 को कौन से रेशियो में जाएगा, अगर आप एडजस्टमेंट नंबर 4 देखोगे तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना दिया है, 8:4:3, मतलब कितना रहेगा, 8/15 हो जाएगा, 4/ कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा, और 3/ कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। ये रेशो में क्या करो आप डिवाइड। आई होप आप ट्रांसफ़र कर सकते हो, मैं भी ट्रांसफ़र कर लेता हूँ, मिलके साथ में ये आगे के एडजस्टमेंट करते हैं। जैसा आप देख सकते हो असेट्स, मशीनरी, गुडविल और सन्ड्री डेटर कहाँ जाएगा, स्टॉक एंड डेटर कहाँ जाएगा, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट में। तो मैंने यहाँ पर टू सन्ड्री असेट सबको इनर में लिखा, आउटर में उसको ऐड करूँगा तो 72,000 आ जाएगा। सेम एज अ क्रेडिट में एक ही नाम आएगा, यहाँ पर लिखा बाय सन्ड्री लाइबिलिटी और क्रेडिटर एक ही नाम है तो डायरेक्ट आउटर में चला जाएगा। और जैसा मैंने बताया था, देखो ये संतोष कैपिटल अकाउंट कहाँ जाएगा, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट की डेबिट में। तो वहाँ पर क्या लिखोगे, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, और अमाउंट किस में आएगा, संतोष में। और देखो उसके ऊपर प्रॉफिट एंड लॉस भी दिया था तो ये कहाँ आ जाएगा, पार्टनर्स कैपिटल में आ जाएगा। कौन से रेशियो में आएगा, 8:4:3 में आ जाएगा। तो देखो मैंने 8:4:3 में क्या कर दिया, इसको डिवाइड कर दिया तो इसका 9,600, 4,800 और 3,600 इसका आंसर आएगा। सेम एज एक कैपिटल कहाँ आएगा, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट की क्रेडिट साइड पे मैंने लिख दिया। और मैंने बताया था देखो यहाँ पर बैंक अकाउंट नहीं दिया है तो लाइबिलिटी में ओवरड्राफ्ट दिया है, तो बैंक अकाउंट की कहाँ लिखेगी हम, क्रेडिट साइड पे लिखेगा। वहाँ पर क्या आएगा, बाय
बैलेंस ब्रॉट डाउन आएगा और क्या लिखोगे ब्रैकेट में, ओवरड्राफ्ट हम लिखेंगे। आगे अगर नीचे क्या बोल रहा है, संतोष इज डिक्लेयर इनसॉल्वेंट। संतोष क्या हो रहा है, इनसॉल्वेंट ऑफ द फर्म, द डिसॉल्व असेट्स एंड लायबिलिटी एज ऑल, मतलब संतोष क्या हो रहा है डिसॉल्व, तो संतोष को क्या करूँ मैं स्टार कर दूँ जिससे मुझे पता चले संतोष क्या हो रहा है डिसॉल्व हो रहा है। आगे क्या बोल रहे हैं, स्टॉक एंड डेटर देखो साथ में दिया था, उसका वैल्यू कितना हो रहा है रियलाइज 54,000, गुडविल का नील, मतलब गुडविल से कुछ पैसा मिलेगा नहीं तो गुडविल को लिखने की भी जरूरत नहीं है। और मशीनरी क्या बोल रहे हैं, एट अ बुक वैल्यू मिलेगा, तो अपने पास पैसा आएगा तो उसका एंट्री क्या रहेगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन, तो बैंक अकाउंट में यहाँ पर क्या लिखेंगे हम, टू रियलाइजेशन अकाउंट, क्लियर, टू रियलाइजेशन अमाउंट अभी रहने देते हैं, अमाउंट का मैं आपको बताता हूँ। फिर यहाँ पर क्या आ जाएगा अपना, बाय बैंक अकाउंट आ जाएगा, क्लियर, बाय बैंक अकाउंट आएगा। और देखो यहाँ पर क्या क्या मिल रहा है अपने, स्टॉक एंड डेटर, तो देखो स्टॉक और डेटर साथ में था, तो यहाँ पर लिखो स्टॉक एंड डेटर, क्लियर, कितना वैल्यू हो रहा है 54,000, तो यहाँ पर मैं 54,000 लिखूँ। और गुडविल के बारे में नील है तो गुडविल का लिखने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट मशीनरी बुक वैल्यू, और मशीनरी का बुक वैल्यू कितना दिया है 6,000, तो यहाँ पर क्या लिखूँ मैं, मशीनरी, मशीनरी का कितना दिया है 6, 54 + 6 करोगे तो कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा, क्लियर है। तो यहाँ पर भी हम कितना लिखेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट में कितना आ जाएगा 60, देखो बैंक अकाउंट डेबिट 60 टू रियलाइजेशन 60, अपना आंसर राइट हो गया। आगे क्या बोल रहे हैं, क्रेडिटर अलाउ डिस्काउंट कितना बोल रहे हैं 10%, मतलब क्रेडिटर को कितना बोल रहा है 10% क्या करना है, डिस्काउंट दे रहे हैं, मतलब क्रेडिटर को क्या करना पड़ेगा 10% कम पैसा पे करना पड़ेगा, मतलब क्रेडिटर को कितना पैसा पे करना पड़ेगा 90%, ये तो आएगा जब संतोष कुड पे 20% इज द बुक वैल्यू, मैं आपको बताऊंगा प्रॉफिट से। अभी आगे क्या बोल रहे हैं, कंटीजेंट लाइबिलिटी अगेंस्ट फॉर्म कितना बोल रहा है 9,000 एज अ क्लियर, मतलब ये भी पैसा क्या करना है, लाइबिलिटी है, देखो लाइबिलिटी को भी क्या करना पड़ेगा हमें पैसा पे करना पड़ेगा, देखो ना कंटीजेंट लाइबिलिटी अगेंस्ट ऑफ 9,000 क्लियर, क्लियर का मतलब क्या किया रहेगा, ये भी हमने क्या किया रहेगा, पे किया रहेगा, तो पे किया रहेगा तो पैसा आएगा कि जाएगा, जाएगा तो हम क्या करेंगे अपना जो एडजस्टमेंट नंबर 2 है और 5th दोनों को क्या करना पड़ेगा पैसा, क्योंकि क्रेडिटर को भी पैसा पे करना है और एक कंटीजेंट लाइफ, तुम बोलोगे सर ये दिया नहीं है बुक में तो भी फिर क्यों हम लिखेंगे, अरे बोला है यहाँ पर लाइबिलिटी कोई और रहेगी जो हमने बुक में लिखी नहीं उसको पे करना है तो पे कर दो ना चुपचाप, तो हम क्या करेंगे पे करेंगे तो पैसा अपने पास आएगा कि जाएगा, जाएगा तो बैंक अकाउंट क्रेडिट होगा, डेबिट में क्या रहेगा रियलाइजेशन अकाउंट, तो यहाँ पर पहले मैं क्या लिखूँगा टू, यहाँ पर बैंक अकाउंट लिखूँ, सबसे पहले किसको पे करना है क्रेडिटर को, तो यहाँ पर मैं लिखूँ क्रेडिटर, क्रेडिटर को कितना पैसा पे करना है 90%, तो यहाँ पर आप चाहो तो नीचे आप ब्रैकेट में लिख सकते हो, देखो 12,000 का कितना निकालना है आपको 90%, तो 90 अपॉन कितना आ गया 100 आ गया, क्लियर है, 0,0 करोगे तो 12 9 का कितना होता है 108, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा मतलब 10,800 आ जाएगा, क्लियर है 108 और 20 पीछे चला गया ये 12 का। और आगे क्या बोल रहे हैं, कंटीजेंट लाइबिलिटी देखो अगेंस्ट क्लियर, तो यहाँ पर मैं लिखूँ कंटीजेंट लाइबिलिटी, कंटीजेंट लाइबिलिटी कितना पे कर रहे हैं 9,000, तो इन दोनों को तुम ऐड कर दो तो कितना आएगा 19,800 अपना आंसर आ जाएगा, क्लियर, ये पे कर रहे हो तो पैसा आएगा कि जाएगा, ऑफकोर्स अपने पास से जाएगा, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे बाय रियलाइजेशन अकाउंट, क्लियर, पैसा जा रहा है तो यहाँ पर क्या आ जाएगा रियलाइजेशन अकाउंट आ जाएगा, कितना आएगा 19,800 पे कर रहे थे। देखो यहाँ पर भी मैंने कितना लिया था 10,800 दोनों को ऐड किया तो 19,800 बस, आगे कुछ भी नहीं अभी तो, ये तो जब यहाँ पर आएगी हम पार्टनर्स कैपिटल में तभी होगा, तो बस कुछ नहीं अभी इसको क्या करना है टैली करना है, तो मैंने बताया था टैली करते समय हाथ में क्या रहना चाहिए आपके, पेंसिल रहना चाहिए, तो ये देखो ये 72 + ये 19,000 करोगे तो आपको आंसर आ जाएगा 91,800 आपको आंसर आएगा, ये 60 + 12 दिख रहा है ये कितना हो जाएगा 72, तो ऑफकोर्स आपका कौन सा साइड ज़्यादा रहेगा, ये वाला साइड ज़्यादा है 91,800, तो एंड में भी मैं कितना लिखूँ यहाँ पर, एंड में मैं कितना लिखूँ 91,800, यहाँ पर भी मैं कितना लिखूँ 91,800, माइनस कितना करना है 72 करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा 19,800 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 19,800 आ जाएगा, क्लियर है 19,800 आ गया। इसको क्या नाम देंगे, अभी वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट, यहाँ पर स्टूडेंट सब क्या लिखते हैं, यहाँ पर रियलाइजेशन अकाउंट लिख देते हैं, पर यहाँ पर क्या आना चाहिए बाय पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, क्या आएगा बाय पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, क्लियर है बाय पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट,
अभी आप चाहो तो ब्रैकेट में लिखो ना रियलाइजेशन लॉस, तो यहाँ पर मैं ब्रैकेट में लिख दूँ रियलाइजेशन लॉस अकाउंट, रियलाइजेशन लॉस है ना ये, तो रियलाइजेशन लॉस क्लियर है। ये कौन से पार्टनर में जाएगा, वैभव, संजय और संतोष में जाएगा। तो मैं यहाँ पर लिखूँ वैभव कैपिटल अकाउंट, वैभव कैपिटल अकाउंट, कैपिटल अकाउंट नहीं लिखोगे तो भी चलेगा क्योंकि ऑलरेडी हमने लिखा है, और नीचे आ जाएगा संतोष, सॉरी संजय कैपिटल अकाउंट, और उसके बाद क्या है संतोष कैपिटल अकाउंट। तो यहाँ पर मैं लिखूँ संतोष कैपिटल अकाउंट, क्लियर है। ये मैंने क्या कर दिया, लिख दिया। अभी इसका क्या निकालना है मेरे को, तो इसको एक काम करता हूँ मैं अलग पेन से, आपको एग्ज़ाम में कोई भी एक ही पेन से लिखना है, मैं तो जस्ट आपको समझे इसके लिए एक अलग अलग पेन से ले 19,800, और इसका रेशियो कितना आया था अगर देखोगे तो 8:4:3, मतलब कितना रहेगा 8/15, 4/15 और 3/15। तो यहाँ पर कितना लिखूँ 8/15, 19,800 मल्टीप्लाई बाई 4/15, और कितना लिखो 19,800 मल्टीप्लाई बाय 3/15, क्लियर है 3/15। अगर करेंगे तो इसका बैलेंस आ जाएगा आपको 10,560, इसका करेंगे तो आपको आ जाएगा अपना 5,280, और इसका आप करेंगे तो आ जाएगा 3,960 आ जाएगा, क्लियर है। करना सिंपल है, 15 से आपको डिवाइड करना है, मल्टीप्लाई बाय 8 करना है, तो ऑटोमेटिकली आपको बैलेंस ये कहाँ आया, क्रेडिट में। तो मैंने बताया था क्रॉस में ट्रांसफर करते, तो क्रेडिट की चीज़ें कहाँ चली जाएगी, डेबिट में। तो मतलब ये कहाँ आ जाएगा, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट की डेबिट में आ जाएगा। तो 2 यहाँ पर क्या लिखूँ मैं, रियलाइजेशन अकाउंट, क्लियर है, और ब्रैकेट में क्या आ जाएगा यहाँ पर लॉस, क्लियर है। ये किस चीज़ का पैसा है, लॉस का। इसका कितना आया था 10,560, इसका कितना आया था 5,280, और इसका कितना आया था 3,960, क्लियर है। ये आ गया, अभी क्या बोल रहे संतोष, क्या बोल रहा था अभी संतोष, कुड पे ओनली 20% इज बैलेंस, संतोष का खाली 25% ही पे करना है, और यहाँ पर बोला ये संतोष इंस्टॉलमेंट, मतलब उसके पास पैसा नहीं है अभी, तो क्या करेंगे इसका 25% कौन पे करेगा, संतोष पे करेगा बोला ये। तो इसका अगर निकालोगे तो इसका सारे का अगर टोटल करोगे तो देखो 60 का 60 नीचे आ जाएगा, 9+6 15 आ गया, और ऊपर ये कितना आ गया 10,560। तो यहाँ पर भी मैं कितना लिखूँ 10,560, उसका कितना पे कर रहा है, पे कर रहा है मतलब पैसा अपने पास आएगा, मतलब बैंक अकाउंट डेबिट टू क्या हो जाएगा संतोष, अभी वो पैसा पे कर रहा है। तो उसका जर्नल एंट्री की बात करेगा तो यहाँ पर क्या आएगा, कैश अकाउंट क्या कैश या तो बैंक अकाउंट क्या रहेगा डेबिट रहेगा, और टू क्या आ जाएगा यहाँ पर संतोष कैपिटल अकाउंट, क्लियर है। कितना पैसा पे करेगा 20, मतलब कैश बैंक अकाउंट की डेबिट में। तो यहाँ पर डेबिट साइड पे मैं क्या लिखूँगा 2 संतोष कैपिटल अकाउंट, तो 2 यहाँ पर क्या लिखूँ मैं संतोष कैपिटल अकाउंट, और यहाँ पर क्या आ जाएगा बाय बैंक अकाउंट आ जाएगा, क्लियर है। बाय क्या आ जाएगा बैंक अकाउंट है, कितना पैसा पे कर रहा है 25%, किसका 25%, 10,560 का 25%। तो 10,560 का कितना निकालना है मेरे को 25%, तो 25/100 कितना आ जाएगा 100। तुम बोलोगे सर 25 पैसा दिया है, अरे पैसा इन रुपीज़, मतलब 25% बोला गया है, क्लियर है ये। अगर करेंगे तो आपको इसका आंसर आएगा 2,640 अपना आंसर आएगा, क्लियर है। तो यहाँ पर भी मैं कितना लिखूँगा 2,640 अपना आंसर आएगा, क्लियर है 2,640। यहाँ पर भी कितना आ जाएगा 2,640। अभी जो इसका बचा हुआ पैसा कौन रहेगा, रिमेनिंग पार्टनर पे करेगा। तो बचा हुआ पैसा कितना हमें पता चला, तो देखो अभी जो रिमेनिंग है 10,500 माइनस ये करेंगे तो अपना जो बचा हुआ की बैलेंस की बात करो, अगर बैलेंस आएगा आपको कुछ 7,920 अपना आएगा, मतलब इसमें से ये 2,000, तो इतना पैसा कौन पे करेगा, रिमेनिंग पार्टनर जो है वो पैसा क्या करेंगे पे करेंगे, तो कौन से रेशो में पे करेंगे। तो अगर देखोगे तो बुक में रेशो क्या था 8:4:3, तो मतलब रेशो क्या मिला 8:4, पता चला संतोष का 3 था तो संतोष नहीं है तो 8:4, तो इसको करेंगे तो 4 1 4, 4 2 8, तो रेशो क्या मिला 2:1 लिखो या तो 8/4 लिखो, दोनों की बात एक ही है। तो मैं यहाँ पर क्या लिखूँगा 2:1 लिखूँगा। तो अगर करेंगे तो यहाँ पर मैं क्या लिखूँगा बाय, किसका नाम आएगा पहले, कौन पैसा पे करेगा वैभव, और यहाँ पर क्या लिखूँ बाय वैभव कैपिटल अकाउंट, तो यहाँ पर मैं लिखूँ वैभव कैपिटल अकाउंट, एक लाइन छोड़ने के बाद क्या लिखूँ बाय संजय कैपिटल अकाउंट, क्लियर है संजय कैपिटल अकाउंट, क्लियर है।
और देखो यहाँ पर उसका क्या निकालना है, मेरे को निकालना है रेशियो। देखो ये 7920 मल्टीप्लाई बाय कितना लिखो, रेशियो कितना आया था 2:1, मतलब 2/3। 7920 मल्टीप्लाई बाय रेशियो कितना आएगा, 1/3। क्लियर, अगर इसका करेंगे ये अमाउंट यहाँ पर ही लिखना है, क्योंकि देखो संतोष में, वैभव और संजय में अमाउंट नहीं आएगा, काफ़ी सारे बच्चे यहाँ पर लिखते हैं। तो इसका आंसर आएगा 5280 आ जाएगा, और इसका आंसर आ जाएगा 2640 आपको आंसर आएगा। अब आपको क्रॉस वेरीफाई करना है, इन दोनों को ऐड करो तो अपना 920 अपना आंसर होना चाहिए, इन दोनों का अमाउंट आया। अभी ये दो अमाउंट कहाँ चला जाएगा, इसकी डेबिट साइड में चला जाएगा। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे हम, टू किसका नाम लिखेंगे यहाँ पर, संतोष कैपिटल अकाउंट। क्लियर है, और कौन से, देखो वैभव में कितना देना है हमें, 5280 देना है, और संजय में कितना देना है, 2640 देना है। अभी क्या करना है, इन दोनों का क्या करना है, टैली करना है। तो इसका तो सिंपल ही हमें टैली करना रहेगा। तो ये देखो इसका अगर टैली करेंगे तो 36 एक ही अमाउंट है यहाँ पर, तो यहाँ पर 36 आ जाएगा, यहाँ पर 27। क्यों, देखो ये साइड क्या है इसका ज़्यादा, क्रेडिट साइड ज़्यादा, इसके लिए मैं आँख बंद करके लिख रहा हूँ, वरना तो मैं टैली इसका भी करता। तो 36,000 यहाँ पर भी आ गया, यहाँ पर 27,000 आ गया। अभी क्या करना है, ये तीनों अमाउंट को क्या करना है, ऐड करना है, 1, 2, 3, 1, 2, 3। अगर इसको ऐड करोगे तो इसका आंसर आएगा 25,440 आ जाएगा, और इसका आंसर आएगा 12,720 अपना आंसर आएगा। अब ये माइनस क्या करोगे, 27 में से मेरे को कितना माइनस करना है, ये 12,000 माइनस करूँगा तो मुझे आंसर आ जाएगा 14,280 आपको आंसर आएगा। और सेम एज अ 36 में से कितना 25 माइनस करूँगा तो 10,560 मेरे को, इसको नाम क्या देंगे हम, टू बैंक अकाउंट नाम देंगे, क्या आ जाएगा, बैंक अकाउंट आएगा। और ये बैंक अकाउंट की कहाँ चला जाएगा, डेबिट में है तो कहाँ चला जाएगा, क्रेडिट में। तो यहाँ पर क्या लिखो, वैभव कैपिटल अकाउंट कितना आएगा, 10,560, और बाय क्या आ जाएगा मेरा, संजय कैपिटल अकाउंट कितना आ जाएगा, 14,280 अपना आंसर आएगा। क्लियर है, अगर इन दोनों को तुम अगर ऐड करोगे तो यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ, अगर इन दोनों को मैं अगर ऐड करूँगा तो मुझे आंसर आ जाएगा, ये देखो 6 + 2 = 62,640, यहाँ पर भी आ जाएगा 62,640 मुझे आंसर आ जाएगा। अगर बुक में देखोगे तो देखो कैश बैंक का टोटल कितना दिया, 62,640, ये अपना राइट है। अमाउंट पेड टू वैभव कितना है, 10,560, और कितना है अपना, 14,280। देखो यहाँ पर भी राइट है, 10,560, 14,280। अगर रही बात देखो रियलाइजेशन लॉस कितना है, 19,800, तो देखो 19,800, ये भी इन शॉर्ट अपना सारा सम राइट है। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, अपने सारे फ्रेंड में फॉरवर्ड कीजिए। थैंक यू।